अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वक्त मस्कत में हूं और आज खुशी का दिन है, इसलिए कि इस मकसद के लिए मैं मस्कत में रुका हुआ था काफ़ी दिनों से, 2-3 दिन हो गए थे एक्स्ट्रा मैं यहां रुक गया था। उसकी वजह थी ईरान का वीज़ा, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ईरान का वीज़ा मिल गया है और अब मैं जाऊंगा मस्कत की अगली साइड पर, अपना सूर और जनाब सलाला की साइड पे, तो उनका जजीरा भी एक वो भी देखना है। उसके अलावा और बहुत सारी जगह है मस्कत में देखने, अपना ओमान में देखने वाली, फिर वापसी आके फिर मैं दुबई वाली साइड पे जाऊंगा। और दुबई तो नहीं जाऊंगा शायद, लेकिन अलबत्त ये कि उसके नुक्कड़ तक, यानी उसके ये अरब अमारात की जो बॉर्डर है वहाँ तक ज़रूर जाऊँगा, तो सारा वो एक्सप्लोर करूँगा। क्योंकि मेरे पास अभी 15-1 दिन हैं यहाँ पर सही तरीके घूमने के, बकाया घूमने। तो वीडियोस बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मेरे साथ हैं आते भाई, जो कि पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है, गुजराना से ताल्लुक है, ओ सॉरी रावलपिंडी से ताल्लुक है, पिंडी बॉयज। तो पिछले जब से मैं मस्कत आया हूँ तब से ये मेरे साथ ही हैं और बड़े प्यारे भाई हैं। अभी हम इकट्ठे अम्बेसी गए थे और कल भी हम आए थे, तो कल भी बस वो एक मजा थी जिस वजह से कल ना हो सका, फिर आज फिर हम आए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा मिल गया है और वो भी 1 माह का वीज़ा लिया है, ट्रांजिट वीज़ा मैंने नहीं लिया, 1 माह का वीज़ा लिया है। और उसमें मेरे साथ पाकिस्तानी अम्बेसी ने बड़ी हेल्प की है और उनकी वजह से मुझे 1 माह का वीज़ा मिला है, क्योंकि वो 7 डे का वीज़ा दे रहे थे मुझे, तो 7 डे का मुझे नहीं चाहिए था। आगे जाके कस्टम बाइक क्लियर कराना है, ये भी है, 2-3 दिन तो आपको वैसे लग जाते हैं, बाकी आपके पास 3-4 दिन बचते हैं, उसमें आपने भागम भाग तो नहीं कराना, सादर कुछ आप थोड़ा सा देख भी लें। और दूसरा मेरा प्रोग्राम है उसकी तरफ जाने का, अफगानिस्तान जाने का, तो यहाँ से भी मैं वीज़ा लेने गया था इनके जो यहाँ पे अम्बेसी है, बड़ा अच्छा टाउन किया उन्होंने मेरे साथ, लेकिन उन्होंने मुझे यही कहा कि आप मशहद से लें वीज़ा या आप तेहरान से लें, क्योंकि वहाँ से लेने का फ़ायदा ये होगा कि आपका बाइक की जो राहदारी है वो भी साथ बन जाएगी। कहते हम राहदारी नहीं बना कर दे सकते, हम आपको वीज़ा दे देंगे लेकिन फिर आप जब राहदारी लेने वहाँ जाके तो वो बड़ा अजीब सा हो जाएगा, तो बेहतर ये है कि आप वहाँ से जाके ना अपना जनाब वीज़ा लें। तो कोशिश करेंगे, देखें बाकी आगे मौसम भी ऐसा आ रहा है, ठंडा आ रहा है, कि उसको भी मद्देनजर रखते हुए फिर कोशिश करते हैं इंशाल्लाह अफगानिस्तान जाने की। तो काश भाई आते भाई कुछ कहना चाहें। बहुत शुक्रिया सर, जजाक खुश रहे, हैव अ सेफ जर्नी, लंबे सफर पे जा रहे हैं, आफिन से ले जाए इंशाल्लाह। आमीन आमीन, फिर से घर पहुँचे अपनी मंजिल मकसूद पे इंशाल्लाह। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं जी? अभी हम मस्कत की तरफ जा रहे हैं, अलफोर्ड में, पोर्च एयरपोर्ट के, अलखोर की तरफ जा रहे हैं जी, और बस ऐसे घूमते घूमते जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह डेली का उन लोगों को अपडेट भी करेंगे और कल मैं यहाँ से निकल जाऊँगा अपनी अगली मंजिल की तरफ। बिल्कुल ठीक है जी, तो थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकअल्लाह।